हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर की ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जैसे इसको अस्तर कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने आपको दिखाया था। तो हमने पूरे ब्लाउज़ के पार्ट को हमने ये अस्तर ज्वाइन किया है और जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट किया है। इस तरह से हमने ये अस्तर ज्वाइन किया है और साइड का जो कपड़ा था उसको हमने कट किया है। ये कटोरी के साइड का पार्ट है, ये कटोरी है, जैसे ये दो पार्ट इस तरह से, और ये बैक साइड में भी हमने ये अस्तर ज्वाइन किया है। तो अभी इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम कटोरी का फ्रंट साइड, मतलब अस्तर के ब्लाउज़ का हम फ्रंट साइड तैयार करेंगे। तो हमने ये कटोरी का पार्ट लिया है, इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, यहाँ 1.5 इंच लेना है और यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसका हम टक्स लगाते हैं। यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया, यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो ये हमारा टक्स बन जाएगा। यह हमारा इस तरह से टक्स आएगा। इस तरह से हमने ये टक्स लगाया है। अब कटोरी के साइड का जो पार्ट है उसको हम ज्वाइन करेंगे। जब भी आप साइड का पार्ट ज्वाइन करोगे तो ये इस तरह से इसके ऊपर रख के आप इस तरह से इसको ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि सिलाई लगाने से, सिलाई जब भी लगाओगे तो ये जो पार्ट है कटोरी के साइड का जो पार्ट है तो इसको आप इसके ऊपर इस तरह से रखना है, क्योंकि ये कटोरी ये ऐसे नहीं पकड़ना है। ये ऐसे आप पकड़ोगे तो आपका जो है कटोरी ये टक्स भी तिरछा हो जाता है, क्योंकि ये हम जैसे खींचते हैं तो ये कटोरी जो है वो ठीक से नहीं बैठता। तो जैसे भी आपको ये उसका साइड का जो पार्ट होता है तो ये सिलाई के वक्त आपको इस तरह से रखना है, और ऊपर की साइड है तो ये थोड़ा सा खींचोगे तो भी चलता है। तो हम पहले इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जो है ये थोड़ा खींचोगे तो भी चलता है, लेकिन ये जो पार्ट है इसको नहीं खींचना, ये सिंपल मतलब उसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। तो ये आपका ये इस तरह से आएगा, ये तिरछा भी नहीं होता और ये भी ठीक से, ये जो टक्स होता है ये भी सीधा आ जाता है। कि सिल्क का कपड़ा होता है तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, वो खींचने से भी आपका कटोरी का जो टक्स होता है वो तिरछा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से जैसे इसका हमें सेंटर निकाल के यहाँ पे हमें 1/2 इंच का थोड़ा सा यहाँ पे हमें तिरछा टक्स
टक्स लगाना पड़ता है ताकि ये जो है ये कटोरी जो होती है कटोरी का टक्स जो होता है तो सीधा आता है। तो ये आप इस तरह से लगाओगे तो ये टक्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ठीक से आता है, तभी क्रॉस पट्टी ज्वाइन करेंगे। जब भी आप क्रॉस पट्टी लगाओगे जैसे आप चाहे तो इसको भी अटैच करके ये दोनों साइड जो है ये यहाँ पे इस तरह से रख के भी आप सिलाई लगा सकते हैं, जैसे चारों ओर से आप सिलाई लगा के ये अटैच कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से भी आप क्रॉस पट्टी लगा सकते हैं। जैसे अस्तर है जो अंदर के साइड से हमें लगाना पड़ता है तो ये इस तरह से रखना है, और ये जो है ये जो कपड़े की क्रॉस पट्टी है इसको हमें ऊपर के साइड से रखनी है, तो ये तीनों को हमें सिलाई लगानी है। ये तीनों भी हम सिलाई में लेके इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। ये जो कटोरी का टक्स हमने लगाया था इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर के साइड में फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। इसके ऊपर हमने ये डबल सिलाई लगाई है तो ये यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी ज्वाइंट की है, अब इसको उल्टा करके ये जो है ये अंदर के साइड से लेके फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। अब ये जो है इसको हम इस तरह से उल्टा करते हैं, इस तरह से हमारी ये सीधी साइड में क्रॉस पट्टी ये इस तरह से आती है और उल्टे साइड में ये इस तरह से आती है, यानी कि सिलाई दोनों साइड से ये अंदर सिलाई जाती है। जैसे हमने ये एक साइड का पार्ट हमने ज्वाइन किया है, दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी लगाई है, अब ये पट्टी ली है, पट्टी को हम इस तरह से डबल करेंगे, डबल करने के बाद ये उल्टी साइड से लगाते हैं। ये हमारी आई की पट्टी है तो ये इस तरह से आधा इंच फोल्ड करके दूसरी साइड है उसको हम तैयार करेंगे। जैसे हमने ये कटोरी लिया है, अब यहाँ पर इसको हम फोल्ड करके यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है, यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है टक्स के लिए और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है
तो ये तिरछा कट हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये हमने टक्स लगाया है। अब ये कटोरी का टक्स हमने लगाया है, तो इसका साइड का जो पार्ट है इसको हम इस तरह से अभी स्टिच करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर हम रख के ये साइड जो है ये ऊपर रखेंगे, जो कटोरी के साइड का जो पार्ट है उसको हम ऊपर रख के फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाते हैं। अब इसको हम क्रॉस पट्टी ज्वाइन करेंगे। जैसे पहली क्रॉस पट्टी ज्वाइन की थी उसी तरह से हम क्रॉस पट्टी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी ज्वाइन की है। अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने से पहले यहाँ पे हम पट्टी जो लगाते हैं यहाँ पे, तो ये जो क्रॉस पट्टी का जो कोना निकलता है तो इसको हमें थोड़ा सा कट करना पड़ता है, यानी कि इसको इस तरह से सीधा कट करना है। इस तरह से हमें ये सीधा कट करना है। फिर उसके बाद हमने जो पट्टी निकाली है फिर उसको इस तरह से लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड से फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। इस तरह से ये पट्टी आधा इंच की हमें फोल्ड करनी है, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके फिर अंदर के साइड से इसके फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से ये पट्टी हमने लगाई है, हुक की पट्टी। अब हम आई की पट्टी लगाते हैं। अब ये जो आई की पट्टी हम लगाने वाले हैं तो उसको भी हम थोड़ा सा तिरछा कट हम इसको देंगे। क्योंकि ये जो पट्टी लगाने के बाद ये जो कोने निकलते हैं तो ये क्रॉस पट्टी के साइड से कोने नहीं निकलते, तो हम यहाँ पे पट्टी लगाते हैं। हमने ये डबल पट्टी ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके अब इसको हम उल्टी साइड से लगाते हैं। उल्टी साइड से हम इसको लगाएंगे।
इस तरह से हम उल्टी साइड में लगा के इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हमें सीधी साइड में ये एक्स्ट्रा पट्टी होती है, तो यहाँ पे इस तरह से ये जो सिलाई हमने लगाई है अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। ये पट्टी हमने लगाई है, इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग दिखाई है। जैसे ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो हमने ये दोनों पार्ट की, जैसे मेन पार्ट है उसकी हमने स्टिचिंग दिखाई है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने शोल्डर कैसे ज्वाइन करना था और पाइपिंग कैसे करनी थी, लगानी थी, ये इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो ये जो मेन पार्ट होते हैं फ्रंट साइड के, तो ये कैसे स्टिच करने थे तो ये हमने आज देखा है। ब्लाउज़ की फिटिंग का भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी शोल्डर ज्वाइन करना है, यहाँ पे अभी शोल्डर ज्वाइन करना है और स्लीव्स को ज्वाइन करके फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये हमने इस तरह से ये अस्तर के ब्लाउज़ की स्टिचिंग होती है। ये दोनों पार्ट तैयार होने के बाद जैसे शोल्डर अटैच करना पड़ता है, जैसे ये बैक साइड का जो पार्ट है तो हमें ये शोल्डर अटैच करना पड़ता है। उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद जैसे ये पाइपिंग भी लगाते हैं और फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये हमने ये अस्तर के ब्लाउज़ की अभी स्टिच